ब्रह्मोत्सव श्री ऊषा भालचंद सातपुते महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जैन समाज में मिथ्या ज्यादा हो तो उसे कैसे मिटाया जा सकता है, कृपया समाधान करें। मिथ्यात्व जो है अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक अज्ञान हमारे अंदर में रहेगा तब तक मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार होता ही रहता है। अब व्यक्ति बहुजन समाज के बीच में रह करके अनेक प्रकार के मिथ्यात्वों को अपने जीवन में अपना लेता है। ऐसे कितनी मिथ्याएं क्रियाएं हैं और मिथ्या बातें हैं जिन पर यह व्यक्ति जो है विश्वास भी करता है और उस क्रियाओं को करने भी लगा है। हर घर में देखा जाता है कोई ना कोई एक मिथ्यात्व की क्रियाएं जो है चल रही हैं। वो सबका कारण एकमात्र अज्ञान है, स्वाध्याय की कमी है। हमें स्वाध्याय की जागृति लाना पड़ेगी। जब तक सच्चा ज्ञान जो है लोगों तक नहीं पहुंचेगा और उनमें स्वाध्याय की जब तक रुचि भी प्रकट नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व नहीं हटाया जा सकता है। आप किसी को जबरदस्ती या किसी भय से उसका क्रियाएं तो बंद करा सकते हो, लेकिन अंदर जो पनप रहा मिथ्यात्व, उसके अंदर जो श्रद्धा है उसको तो आप दूर नहीं कर पाओगे। आपके किसी अन्य मत से कोई बच्ची आपके यहाँ पर व्यवहार करके आ गई, उसे आप नमोकार मंत्र भी सिखा रहे हैं, धर्म ध्यान भी सिखा रहे हैं, लेकिन अंदर जो उसके अंदर मिथ्यात्व है, गलत धारणाएं जो बनी हुई हैं परमात्मा आदि को लेकर के, आत्मा आदि को लेकर के, वस्तु जगत को लेकर के, वो तो आप नहीं छुड़ा सकते, वो तो आप अलग नहीं करा सकते हैं। उसके लिए उसका स्वाध्याय कराना, सम्यक स्वाध्याय होना और स्वाध्याय के बाद भी उसको आगम युक्ति तर्क आदि से वह श्रद्धा अपने अंदर अच्छी अटल रूप से बैठ जाए, तभी वह मिथ्यात्व आदि छोड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मिथ्यात्व आदि का प्रचार आदि रोकने के लिए अधिक से अधिक ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान लोगों तक पहुँचाया जाए, स्वाध्याय कराया जाए, पाठशालाएं लगें। मंदिरों में पहले स्वाध्याय की गद्दियाँ हुआ करती थीं, रोज़ वहाँ पर स्वाध्याय हुआ करता था। अब स्वाध्याय बिल्कुल बंद हो चुका है, लोग मंदिरों में स्वाध्याय नहीं करते हैं। अपने बहू बेटियों को, बच्चों को, सबको ज्ञान से और स्वाध्याय में भी इस बात का ध्यान रखें कि जो आगम प्रणीत ग्रंथ हैं, जो आचार्यों की परंपरा से आए हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय उनको कराया जाए, मूल ग्रंथों से ही उनको जोड़ा जाए, जिससे उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि वह व्यवहारवादी, निश्चयवादी, एकांतवादी, नियतवादी, पुरुषवादी, भागवादी किसी एक को पकड़ ले और फिर वो मिथ्यात्व में लग जाए। तो मिथ्या क्रिया, मिथ्या विचार, मिथ्या भाव सबको छोड़ने के लिए स्वाध्याय ही सबसे बड़ा साधन है। और अच्छा होगा गुरु मुख से स्वाध्याय सुने और आप स्वयं भी स्वाध्याय का अध्ययन करें उनके द्वारा बताए हुए ग्रंथों का, तो आपका नियम से मिथ्यात्व छूटेगा और जैन समाज जो मिथ्यात्व फैल रहा है वो भी दूर हो जाएगा। नमस्कार श्री उमेदमल जैन कोलकाता से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, विदेश क्षेत्र में सभी समय चतुर्थ काल रहता है, तो क्या वहाँ लिपिबद्ध आगम की व्यवस्था नहीं है, कृपया समाधान करें। विदेश क्षेत्र जहाँ चतुर्थ काल है और जिसे कर्म भूमि कहा जाता है, वह भोग भूमि नहीं है, वह कर्म भूमि है। और कर्म भूमि जहाँ कर्म किए जाते हैं, जहाँ पर असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, वास्तु आदि अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं वह उनको धारण करके अपना जीवन यापन करते हैं। और विदेह क्षेत्र में भी बहुत सारे उपविदेह होते हैं और सारे उपविदेहों में तीर्थंकरों का सदा विद्यमान रहना जरूरी नहीं है। वो तो कभी कभार सभी क्षेत्रों में रहे तो बात अलग है। तो हर क्षेत्र में तीर्थंकर ना होंगे, एक साथ कभी कभी हों तो बात अलग बात है। तो इसलिए कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में कर्म करना सिखाया, तो अस्सी भी है, मसी भी है, कृषि भी है, तो यह व्यवस्था है। तो शास्त्रों का लिपिबद्ध होना भी वहाँ पर आवश्यक है। शास्त्र स्वाध्याय आदि भी होता है, लिपिबद्ध भी होते हैं, ग्रंथों का अध्ययन भी होता है और कर्म करते हैं व्यक्ति लोग, इसलिए वहाँ पर यह लिपिबद्ध ना हो शास्त्र, ऐसा हो नहीं सकता है। अर्थात वहाँ पर भी शास्त्रों का लिपिबद्ध होना, शास्त्रों का पठन पाठन होना, पढ़ना, स्वाध्याय आदि ये सब कार्य जो हैं जैसे आज के युग में होते हैं वैसे ही वहाँ के विदेह क्षेत्र की कर्मभूमि में भी हुआ करते हैं। नमस्कार श्री अमित जैन अंजनी नगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे अभी भूगर्भ से चतुर्थ काल की प्रतिमा प्राप्त होती हैं लेकिन भूतकाल की प्रतिमाएं प्राप्त नहीं होती, तो वह कहाँ विलुप्त हो गई हैं, कृपया समाधान करें। भूतकाल की प्रतिमा देखिए चतुर्थ काल के बाद एक दूसरा चतुर्थ काल आने के बीच में एक छठम काल भी आता है, जिसमें महाप्रलय काल भी आता है। वह महाप्रलय काल है जहाँ पर 1000 योजन जमीन जो है जल करके नष्ट हो जाती है, जिसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसे महाप्रलय काल में भूतकाल की प्रतिमाएं कहाँ बच पाएंगी जो हमें आज प्राप्त हो पाएंगी? वो भी चकनाचूर हो जाती हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए चौथा काल है, अब चौथा काल में पंचम काल आएगा, फिर छठम काल आएगा। छठम काल के अंत में महाप्रलय होगी, उस महाप्रलय में सब नष्ट हो जाएगा। फिर छठम आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा, फिर चौथा काल में फिर चौबीसी होगी। तो एक चौबीसी के बाद दूसरी चौबीसी आती है, तो उसके बीच में एक महाप्रलय काल आता है, जिसके कारण हमें भूतकाल की जो प्रतिमाएँ हैं उनका कोई अंश या उनका कोई भी किसी प्रकार से पुरातत्व आदि हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। वर्तमान काल में ही जो चतुर्थ काल आदि में जो प्रतिमाएं बनी होंगी, या इस पंचम काल में भी जो प्रारंभ काल में जो प्रतिमाएं आदि बनी हुई हैं, वो हमें प्रकट हो मिल जाती हैं। किसी को स्वप्न दे करके, या किसी कार्य कहीं हो रहा हो तो वहाँ खुदाई में या खेत आदि में इस प्रकार से वो प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना इस विषय में कि आजकल लोग इसको खिलवाड़ भी समझ रहे हैं। नवीन प्रतिमाएं बना करके वो कहीं खेत से निकालते हैं, कहीं मकान से निकालते हैं। आस्थाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धन इकट्ठा करने आदि का यह साधन नहीं बनाना चाहिए। महापाप है परमात्मा की प्रतिमा को जमीन में गाड़ करके पुनः निकालना। महादोष है, महाआराधना है। निगोद में भी स्थान मिल जाए बहुत बड़ी बात है उस जीव के लिए। तो इस प्रकार का पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जमीन में गड़ाएं और फिर निकालें। वो तो बहुत बड़ा जो ऐसा समय आया था कि वो रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, कि जो हमारे यहाँ आए थे और प्रतिमाओं को तोड़ रहे थे, मंदिर को तोड़ रहे थे, उनको मट्टी से ढक दिया गया था। और वही प्रतिमाएं जो हैं आज निकल रही हैं, तो वहाँ लिए पूजनी है, बंदनी है। तो आपको समझ में आगे होगा कि भूतकाल की प्रतिमाएं क्यों नहीं निकलती हैं। वही प्रतिमा निकलती हैं जो हमारे बुजुर्गों ने संरक्षण के लिए जमीन आदि में रख दी थी, सुरक्षा आदि के लिए। वही प्रतिमा आज प्रकट सामने होती हैं। और ऐसी जो प्रतिमाएँ हैं हमारे लिए बहुत पूजनीय है, बंदनीय है, नमस्करणीय है। और इन प्रतिमाओं का हमें सब बंधन आराधना आदि करना चाहिए। ये अतिशय है कि वो प्रतिमाएं इतने वर्षों तक जमीन में भी सुरक्षित और व्यवस्थित रहें, और वह हमारे लिए किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हुई। और आज उनको हम मंदिरों में विराजमान करके आराधना करते हैं। और ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं को जो नए मंदिर बन रहे हैं उसमें विराजमान कर, नई प्रतिमा बनाने की अपेक्षा पुरानी प्रतिमाओं को विराजमान करके हमें पूजना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।